मेरे प्यारे दोस्तों, अरिमा द साइंस ऑफ लाइफ चैनल पर आपका स्वागत है। गुलाब का जो पेड़ होता है वो बहुवर्षीय होता है। ये कटीला झाड़ीदार पौधा होता है और जिसमें फूल खिलते हैं। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके फूलों को देखकर किसी का भी मन मोह लेने की इसमें क्षमता होती है। आइए आज आपको गुलाब के कुछ औषधि फायदे बताता हूँ। गुलाब का फूल दुनिया भर में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है। ये सदियों से प्रेम का प्रतीक रहा है। भगवान सूर्य और भगवान हनुमान जी को प्रिय ये पुष्प अपने दिव्य औषधि गुणों के लिए भी जाना जाता है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप गुलाब के फूल की संगत करते हैं तो आप बेशक गुलाब जैसे बन सकते हैं। गुलाब में बहुत अच्छे औषधि गुण पाए जाते हैं। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों में औषधि गुण होते हैं। गुलाब के फूल को सूंघने से मन को शांति मिलती है, साथ में मानसिक उलझन तनाव कम होते हैं। गुलाब की पत्ती खाने से चेहरे पर निखार आता है, साथ में पेट की कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। गुलाब के फूल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये आपकी त्वचा की कोशिकाओं को डैमेज होने के साथ साथ इन्फेक्शन से भी बचाती है। इसलिए अपनी त्वचा को सुंदर व स्वस्थ बनाए रखने के लिए गुलाब जल का प्रयोग करने के साथ साथ गुलाब की पंखुड़ियों को प्रातःकाल खाने से कई गुना सुंदरता बढ़ती है और त्वचा का ढीलापन दूर होकर कसाव आता है। आपके घर आंगन में लगा हुआ गुलाब का पेड़ से आप शायद ठीक से परिचित ना होंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और गुलाब के बेहतरीन औषधि गुणों से आपका परिचय होगा और आप तब जान पाएंगे कि गुलाब का जो पेड़ होता है, उसके जो फूल होते हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं, किस प्रकार से हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको गुलाब के फायदों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहा हूँ। लगातार कुछ दिनों के प्रयोग से आप कई प्रकार की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों और प्रियजनों को जरूर शेयर करें ताकि इस पौधे के बारे में अधिक से अधिक आयुर्वेदिक जो औषधि गुण हैं वो लोगों तक पहुँच सकें और लोग इनका फ़ायदा उठा सकें। गुलाब के फूल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। इसके फूलों से गुलकंद, गुलाब जल व कई प्रकार के इत्र बनाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गुलाब का फूल मधुर, शीतल, तीखा, लघु, स्निग्ध, वात पित्त कम करने वाला होता है। ये पाचक, दीपन, वर्ण एवं रसायन माना गया है। ये आँखों के लिए फायदेमंद शुक्रल गुणों से भरपूर होता है। यह विषनाशक होता है। उदरसूल, पेट में दर्द, पेट फूलना, सांस की बदबू, बदहजमी, चर्म रोग, हारपीत, बवासीर, अर्श के में लाभदायक होता है। जिन व्यक्तियों को अनिद्रा की शिकायत है, जिन्हें ठीक प्रकार से नींद नहीं आती है, उन्हें गुलाब की पंखुड़ी खाने से अनिद्रा की समस्या, इंसोम्निया की जो बीमारी होती है, उससे छुटकारा मिल जाता है और नींद ठीक प्रकार से आती है। गुलाब के फूल को प्रातःकाल चबाकर खाने से दांत के रोग ठीक होते हैं और दांत मजबूत होते हैं और दांतों के मसूड़े जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि इसकी पंखुड़ी में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। गुलाब के अर्क को आँखों में डालने से आँखों के कई रोग ठीक होते हैं। आँखों का दुखना, लालिमा, ये सब ठीक हो जाते हैं। आँखों की ज्योत भी बढ़ती है। गुलाब का फूल फेफड़ों की टीबी के उपचार में प्रयोग किया जाता है और गुलाब के फूल का प्रतिदिन सेवन करने से पेट की जलन शांत होती है और पित्त से उत्पन्न रोग नहीं होते हैं। बिच्छू के दंश से उत्पन्न विष व दाह जलन को शांत करने के लिए गुलाब का फूल अत्यंत प्रभावशाली है। फूल को पीसकर दंश वाली जगह पर लगाने से जलन व विष का शांत होता है। सांप के विष को कम करने के लिए गुलाब के पेड़ की जड़ को पीसकर दंश वाली जगह पर लगाने से विष में कमी आती है। गुलाब के फूल को प्रातःकाल चबाकर खाने से फर्क साफ देखने को मिलता है और कमाल का फ़ायदा मिलता है। इसलिए इसको खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है क्योंकि ये विटामिन से भरपूर होता है। सभी प्रकार के औषधि पौधों की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर आल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू। जय हिंद।